ये हिमालयन कैट है, इसको हिमालयन कहते हैं। इसकी ब्रीड जो है, इसकी ब्रीड का नाम हिमालयन है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस 80,000 रुपये। मेल है या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। ये बताइएगा इसकी एज कितनी है? इसकी एज 18। सेल करते हैं लेकिन मैं इसको पंच फेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को रिस्पेक्ट, हेलो और अदाब। आज हम एक एनिमल सेटअप पर आए हैं। यहाँ पर दानियल साहब होते हैं, इनसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे एनिमल्स में इनका किन किन चीज़ों की तरफ रुझान है और उनका क्या इंटरेस्ट है, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र डालते हैं और एनिमल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए दानियल साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से दानियल साहब? ये बताएं एनिमल्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त रखी हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या क्या दिखा रहे हैं आप? मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हैं पर्शियन कैट्स में ना। अच्छा, कैट्स के ऊपर आपका रुझान है? जी बिल्कुल। तो कैट्स में कौन कौन सी नस्लें इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास पर्शियन कैट्स हैं, पिक्की फेस है और हिमालयन है। अच्छा, हिमालयन है, पिक्की फेस और पर्शियन कैट है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सेटअप को किस तरीके से स्टार्ट किया, कहाँ से आपने शुरुआत करी, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है? मैं सन 2012 से, मतलब मेरा शौक हुआ था तो मैं किट्स लेके आया था, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी ना, तो उसने घर पे आके मुझे किटिंग्स वगैरह दिए, फिर उससे शौक बड़ा 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 करते 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 आज इस मकाम पे आ गया। तो यहाँ पे आपके पास कितनी कैट्स मौजूद हैं सेटअप पे? मेरे पास तकरीबन है 8-9 कैट्स हैं। 8-9 कैट्स हैं जी। दानियल साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये बताएं कि जितनी भी कैट्स आपके पास मौजूद हैं सारी प्योरिटी में प्योर हैं? बिल्कुल प्योर ब्रीड होगी और मेरी जितनी भी कैट्स हैं वो सपोर्टेड ट्रेन होगी। सपोर्टेड ट्रेन है और सारी प्योर ब्रीड है? प्योर ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड नहीं है, कोई क्रॉस नहीं। चलिए नज़र डालते हैं अब कैट्स के ऊपर। जी दानियल साहब, ये कौन सी कैट है? ये हिमालयन कैट्स है, इसको हिमालयन कहते हैं। इसकी ब्रीड जो है, इसकी ब्रीड का नाम हिमालयन है। अच्छा, ये हिमालयन ब्रीड की कैट है, ये एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं, एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। क्योंकि अभी आपने इसको उठाया तो थोड़ा सा घुसा रही थी। असल में वो इतने सारे देख के जो है ना घबरा गई ना, तो बाकी ट्रिपल कोटेड है और वैक्सीनेटेड है। अच्छा, ट्रिपल कोटेड है, पंच फेज है। अच्छा, इसमें डबल कोट भी आती है, सिंगल कोट भी आती है? डबल भी आती है, सिंगल भी आती है और ट्रिपल कोट भी आती है। अच्छा, इसके प्राइस मेंशन करिएगा। ये 16,000 रुपये की है। ये 16,000 रुपये की है? मेल है, फीमेल है? फीमेल है ये। अच्छा, ये बताएं दानियल साहब, क्या अपनी कैट्स को क्या चीज़ खिलाते हैं, क्या चीज़ें खाने में ज़्यादा पसंद करती है और उनके सेहत के हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट है? मैं ज़्यादातर जो है, मैं लोगों को भी ये रेकमेंड करता हूँ कि कैट फूड देना, मतलब लोग घर का खाना भी देते हैं वो भी दें, लेकिन कैट फूड लाजमी है क्योंकि इनका पेट वगैरह, इनका हाजमा वगैरह ठीक रहता है। जी, आप ये रेकमेंड करते हैं व्यूअर्स को कि एक टाइम वो कैट फूड ज़रूर खिलाएं कैट्स को, कैट्स की सेहत के लिए? दो टाइम कैट फूड कैट्स को खिलाना चाहिए जी। अच्छा, तो एक टाइम में एक कैट कितना कैट फूड खा लेती है? ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाती है, लेकिन अगर जैसे एक आपने कैट रखी हुई है तो 2 kg बहुत है, 2-2.5 kg बहुत है। ये बताइए दानियल साहब के इनके जो रुएँ वगैरह होते हैं, जैसे मैंने देखा है कैट्स के अक्सर उतर रहे होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, इंसान की सांस में जाते हैं, छोटे बच्चों को सांस की बीमारी का खतरा होता है इनसे। देखिए, तो ये बताएं कि इसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या फार्मूला है इसका, कुछ इसके बारे में बताएं व्यूअर्स को। देखें, इसमें एक तो पहली बात है कि इनको जो है ना ब्रश करना चाहिए रोज़, डेली इनको ब्रश करो तो वो जो बाल निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो बाल निकलेंगे। अच्छा, यानी ब्रश में वो सारे आ जाएंगे? हाँ, जो उतरने वाले बाल होंगे पहले उतर वो उतर जाएंगे। इसके अलावा इनकी वैक्सीनेशन भी तो होती है हेयर के हिसाब से? वैक्सीनेशन हेयर की नहीं, उसकी होती है, क्या कहते हैं, डिवॉर्मिंग होती है उसकी, कैट्स की, और वो वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, बालों के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती? नहीं, बाल वगैरह उतरना वो डाइट के ऊपर होता है। डाइट आप उसको कैट फूड खिलाएं, उसमें कैट फूड में क्या कहते हैं स्किन वाला भी आता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है कैट तो वो स्किन वाला कैट फूड खिलाएं। स्किन वाला कैट फूड इस्तेमाल करना, फिर उसके हेयर जो नहीं उतरेंगे, हेयर जो है वो उतरेंगे नहीं, और रोज़ जो है ब्रश करें 1-2 टाइम। रुपये मेल या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। ये बताइएगा इसकी एज कितनी है? इसकी एज है 18 मंथ। 18 मंथ से ये हिमालयन है जी। जी, ये पंच फेस है? ये पंच फेस है जी, और ट्रिपल कोटेड है जी, और ट्रिपल स्टड मेल है, कन्फर्म स्टड है। अच्छा, ये बताएं इसकी क्या एक्टिविटीज़, इसके बारे में कुछ बताएं, कुछ इसका नाम वगैरह रखा आपने? नाम वगैरह तो कुछ भी नहीं रखा, लेकिन ये है कि ये 2 साल का मेल है। 2 साल का ये मेल है। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी 17,000 रुपये। 17,000 रुपये। अच्छा, अच्छा, ये बताइएगा इस मेल की एज कितनी है? 2 साल। 2 साल इसकी एज है, मैच्योर है ये जी। जी, नेक्स्ट में आप कौन सी कैट दिखाना है? नेक्स्ट में मैं आपको गोल्डन कलर का एक्सट्रीम पंच भी कहते हैं उसे, और पंच भी कहते हैं।
तो वो दिखाता हूँ आपको, चले नज़र डालते हैं। जी दानियल साहब, इसके बारे में बताइए। ये ट्रिपल कोटेड महल है, ठीक है। लोग इसको एक्सट्रीम पंच बोल के भी सेल करते हैं, लेकिन मैं इसको पंच फेज ही बोलता हूँ। ये पंच फेज है बेसिकली। अच्छा, दिखाइएगा ज़रा इसको व्यूवर्स की तरफ। हाँ, अब इसका फेस समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे है सीधा पंच फेस। तो इसकी डिमांड कितनी है? इसकी भी 17,000 है। 17? दो साल का मेल है 17,000 रुपये का ये। अच्छा, ये बताइएगा दानियल साहब, आपने ज़्यादातर फैंसी में शौक किया, तो ये बताएं कि आप फैंसी कैट्स आपस में रख सकते हैं, आपस में लड़ती तो नहीं? देखिए, उसमें अगर आप मेल रखेंगे ना तो मेल नहीं रख सकते, क्योंकि मेल की नहीं बनती ना, मेल अकेला ही रहता है, मेल अकेला रहता है। भाई बहन होंगे तो वो शुरू से अगर रहें साथ तो फिर वो एडजस्ट हो जाते हैं। और वैसे फीमेल रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी कैट दिखाने व्यूअर्स को? नेक्स्ट में मैं आपको पर्शियन कैट दिखा रहा हूँ, ब्लू आइज फीमेल, ब्लू आइज में दिखाने हैं। चले आ नज़र डालते हैं। जी दानियल साहब, ये वाइट कलर की है जी। अच्छा, ये ट्रिपल कोटेड है, ब्लू आइज में जी, ट्रिपल कोटेड। दिखाइएगा इसका फेस ज़रा कैमरे की तरफ हमारे नाजरन को। ये भी पंच फेस में? ये पंच फेस है। ठीक है, फीमेल है ये? फीमेल है जी। अच्छा, इसकी एज कितनी है इस वक्त? इसकी एज है 13 मंथ। 13 मंथ है जी। फर्स्ट हीट इसकी आएगी, फर्स्ट ब्रीड ये करेगी अब। अच्छा, फर्स्ट ब्रीड ये करेगी। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? 18,000। अच्छा, इसको रखे हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे आपने परचेज किया या आपने बच्चे से पाला? मुझे नहीं, मैंने बच्चे से नहीं पाला, मेरे पास आई थी ये। ठीक है, कितने मंथ्स की आई थी? जिस वक्त आपके पास आई थी इसकी क्या एज थी? उस वक्त इसकी एज थी 10 महीने की थी। 3 महीने मेरे पास हो गए। 3 महीने आपके पास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी कैट दिखाने व्यूअर्स को? नेक्स्ट में मेल दिखा रहा हूँ आपको, ब्लू आइज में। ब्लू आइज में मेल दिखा रहे हैं, पहले यहाँ दिखाते हैं व्यूअर्स को। जी दानियल साहब, मैं देख रहा हूँ आपने एक कैट को बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, उसको केज दिया हुआ है, इसके बारे में बताइए व्यूअर्स को। असल में ये मेल है, ठीक है, और ब्लू आइज में, और इसको यूँ मैंने पैक करके रखा हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 मेल अभी घूम रहा है ना, तो उसको देख के ही हाइपर होगा, लड़ेगा। अच्छा, आपस में लड़ाई करते हैं, आपने उसको सेपरेट किया? बिल्कुल। क्या ये ज़्यादा एग्रेसिव है? एग्रेसिव नहीं है, बस मेल देख के एग्रेसिव होता है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी एज कितनी है इस मेल की? 2 साल का ये। 2 साल का, और नस्ल कौन सी है? पर्शियन ब्लू आइज में, इसको हिमालयन भी बोलते हैं। अच्छा, हिमालयन क्रॉस है ये? हिमालयन क्रॉस है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी 17,000 है। 17,000 रुपये इसकी प्राइस है जी। अब क्या दिखाने व्यूअर्स को? अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ग्रे कलर का मेल है मेरे पास, पिक्की फेस में, इम्पोर्टेड मेल है पिक्की फेस में जी। चलें एक्साइटेड कर देख लेते हैं। ठीक है जी दानियल साहब, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भालू है इसके बाद। ये बिल्कुल, ये इंपोर्टेड मेल है, इस्लामाबाद से किसी साहब ने इंपोर्ट कराया था क्वार्ट से ना। ठीक है, तो उनसे मैंने लिया है। ठीक है, तो ये बताएं इसकी एज कितनी है इस वक्त? ये 18 महीने का है। 18 महीने का है। इसके भी ट्रिपल कोट? ट्रिपल कोट, बिल्कुल ट्रिपल कोट है। पंच फेस के अंदर नहीं, पिक्की फेस है। पिक्की फेस में ही? हाँ, पिक्की फेस है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये इसकी प्राइस है। कन्फर्म स्टड मेल है। कन्फर्म स्टड मेल है ये। अच्छा, एज बताइएगा इसकी? इसकी एज है 18 मंथ। 18 मंथ इसकी एज है। अच्छा, आपने 80,000 बताई है, तो बाकी जो मैंने कैट्स देखी हैं वो 17,000 16,000 के आपने बताई हैं, ये वाले 80,000 की क्या फ़र्क है? ये इंपोर्टेड मेल है। पिक्की फेस जो मेल है वो मतलब महंगा होता है। पिक्की फेस की जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं वो महंगी होती हैं। अच्छा, पिक्की फेस का आपको कुछ पता है इसके बारे में कि कहाँ की होती हैं नेटिव? ये बेसिकली जो है ना क्वार्ट की और यूके की होती है ना, तो लेकिन अब इतनी आम हो गई है कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी ब्रीड करा रहे हैं, तो आसानी से मिल जाती है। वैसे अगर ये यूके से इंपोर्ट करवाएं तो कितने? तो वो डॉलर के हिसाब से पड़ती है, वो बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, ये लोकल ब्रीड है तो ये 80,000 रुपये का एक मेल? अगर आप ये इंपोर्ट कराएंगे तो कम से कम आपको मेल जो है 2 लाख रुपये का पड़ेगा। अच्छा, मेल सिर्फ 2 लाख रुपये का पड़ेगा, और ये पाकिस्तान की लोकल ब्रीड है जी यहाँ पर, तो ये 80,000 रुपये की है जी। कुछ इसमें और नेगोशिएशन हो जाएगी, कुछ कमी जी? बिल्कुल हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल जी दानियल साहब, ये बताएं कि आपने बहुत सारी ब्रीड दिखाई, आपने दिखाई ट्रिपल कोट में, तो ये बताएं कि कराची में तो काफ़ी गर्मी होती है, ठीक ठाक ये सर्द इलाके के कैट्स हैं, तो कराची में इनको किस तरीके से रखते हैं, रखने के तरीके कार क्या होते हैं, कुछ व्यूवर्स को बताएं इसके बारे में। देखें, इनको एक सेपरेट जगह दी जाती है, वो चाहे तो रूम हो या कोई ऐसी चीज़ हो, मतलब रूम अच्छा हो, मतलब खुला हुआ रूम हो, मतलब ऐसी बंद जगह ना हो जिससे डिस्टर्ब हो। अच्छा, बंद जगह? अगर बंद जगह होगी तो उसमें डिस्टर्ब होंगे? जी बिल्कुल डिस्टर्ब। और क्या इनके हेयर कटिंग वगैरह भी कराई जाती है गर्मियों के सीज़न में? जी बिल्कुल, ट्रिम होती हैं, ट्रिम होते हैं इनके हेयर्स को, ट्रिम करते हैं वो। ट्रिम का ये होता है कि जैसे कि इनकी नोट्स बन जाती है ना, तो फिर वो ट्रिम की कंडीशन में आ जाती है कि ट्रिम करवाना पड़ता है इनको।
अच्छा इनके फिर अगर हम ट्रम करवा लेते तो फिर इनके सर्वाइविंग चांसेस होते हैं, वरना फिर अगर क्योंकि कराची में तो ठीक ठाक गर्मी होती है, इंसान परेशान हो जाते तो उनके तो इतने ज़्यादा नहीं, खैर इनको नहीं लगती गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। वो ट्रम जो करवाते हैं वो सिर्फ इसी वजह से करवाते हैं कि इनके हेयर ख़राब होते हैं, हेयर ख़राब होने की वजह से वो ट्रम होती है। अच्छा आपका कहना है कि ये जो है इसी कंडीशन में अभी जैसे इनके हेयर पूरे आए हैं ट्रिपल कोट में जी, ये कराची के सख्त गर्मी में रह सकती हैं बिल्कुल, बस इनको खुली स्पेस चाहिए, खुली इनको सर्कुलेशन चाहिए, अगर किसी रूम में भी रखेंगे तो सर्कुलेशन में रखेंगे बिल्कुल, और दूसरा केयर भी चाहिए। अच्छा दानियल साहब ये बताइएगा कि ये साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती हैं? ये देखें साल में जो है ना 2-3 दफ़ा कर लेती हैं वो बिकॉज के उनकी डाइट के ऊपर, अगर डाइट अच्छी रखेंगे तो 3 दफ़ा भी कर लेंगी, 3-4 दफ़ा। अच्छा 3-4 दफ़ा करती हैं साल में, तो एक दफ़ा में कैट कितने बेबीज देती है? एक दफ़ा में 7-8-6। अच्छा डिपेंड हेल्थ, तो इनको टोटल कैट फूड खिलाना चाहिए? कैट फूड बिल्कुल टोटल कैट फूड खिलाना चाहिए। अच्छा घर के अगर हम खाने पीने की बात करें तो घर में इनको क्या क्या चीज़ ऐसी दे सकते हैं जो इनकी सेहत पे इनके बालों पे नुकसान ना करे? क्योंकि अक्सर ये होता है कि शायकिन दोस्त क्या करते हैं इनको कोई तली हुई ऑयली चीज़ें भी खिलाते हैं, क्या ऑयली चीज़ इनके लिए सूटेबल है? नहीं ऑयली चीज़ सूटेबल नहीं है, इनको जो है चिकन बॉयल करके दे सकते हैं, राइस में, राइस में और कलेजी दे सकते हैं चिकन की, इसके अलावा वगैरह दे सकते नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, पेट ख़राब हो जाएगा, ना रोटी ना दूध। अच्छा ना रोटी दें ना इनको दूध दें? नहीं। अच्छा दानियल साहब ये बताएं कुछ हमारे शायकीन दोस्त जो हैं वो फ्लैटों में भी रहते हैं तो उनके पास रूफ टॉप नहीं होता, ना ही ग्राउंड होता है और ना ही खुली स्पेस होती है, तो वो अगर इस किस्म की कैट रखें तो क्या तरीक़ेकार होने चाहिए, किस तरीके से वो रख सकते हैं कैट्स को? देखिए पहली बात तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है कि कैट जो है पोटी ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि उनको पोटी लेटर देना दिया जाए, जैसे कि पोटी लेटर मिलता भी है इम्तियाज़ वगैरह में लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि एक बाउल होता है प्लास्टिक का वो लेके उसके अंदर जो है बजरी वगैरह डाल के एक साइड पे उसको रख दें तो वो वहीं करेगी अगर पोटी ट्रेन होगी। अच्छा अगर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वहीं पर ही पोटी ट्रेन? बिल्कुल। अच्छा आपके पास यहाँ पर हम जितने भी कैट्स देखे हैं वो सारी ट्रेन हैं? जी बिल्कुल ट्रेन है, मैंने ये पोटी लेटर बनाया हुआ है। अगर हमारा कोई शायकीन दोस्त खरीदे फ्लैट में रहता हो तो वो आराम से बेफिक्र होकर लेके जा, बस एक छोटे से बाउल में उन्होंने क्या करना है कि बजरी बिछानी और उसको साइड पर रख देना, बिल्कुल वो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज कर लें। जी दानियल साहब ये बताएं कि ये जो आपने बनाया हुआ इस तरीके से इसमें बजरी बिछाई हुई और यहाँ पर ये आके अपनी पोटी वगैरह करती? जी बिल्कुल सारी मेरी कैट्स यहाँ पे आके पोटी करती हैं। अच्छा तो इस तरीके से हम बजरी एक साइड पर अगर इन्हें जगह दे दें तो ये गंदगी नहीं करेंगे घर? बिल्कुल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना इम्पोर्टेड एक बात है कि पोटी ट्रेन होनी चाहिए कैट्स, अगर पोटी ट्रेन नहीं होगी भले आप बजरी रखें वो नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। अच्छा ये बताएं दानिया साहब यहाँ पर तो आपने इनको एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है, एक इनको छोटी सी जगह दी हुई है जहाँ पे ये पोटी वगैरह करती हैं, तो अगर क्या हम नॉर्मल इस तरीके से अगर कोई ऐसी कैट हो हमारे पास जो ट्रेन ना हुई हो बाउल में अगर बजरी बिछा के साइड पे रखेंगे तो क्या उसकी हैबिट बन जाएगी? देखिए उसको बार बार उस वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, उसको बार बार उस जगह पर छोड़ना पड़ेगा, बार बार 1-2 दफ़ा उसको छोड़ना पड़ेगा, 1-2 दफ़ा नहीं 5-6 दफ़ा, 5-6 दफ़ा छोड़ना पड़ेगा फिर वो ट्रेन हो जाएगी और फिर ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पे जो सबसे अच्छी कैट लगी मुझे वाली पसंद आई है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, प्लेफुल है और उसने काफ़ी खेला है मेरे साथ। दानियल साहब ये बताएं कि किटन्स अवेलेबल हैं आपके पास? जी बिल्कुल है, बिल्कुल अवेलेबल है आपके पास। ये बताएं कि किटन्स की एज कितनी होगी और उनकी प्राइस? देखें 2 मंथ्स के हैं, 3 मंथ्स के हैं, जैसे डिमांड आए। अच्छा 2 मंथ्स के 3 मंथ्स के होंगे और उनकी प्राइस बता दें मुझे एक रफली। प्राइस जो है देखें 10,000 से शुरू है और 20,000 तक है। अच्छा 10,000 से शुरू है 20,000 तक है। दानियल साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 03152914029। अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ हमारा कोई भी व्यूअर आप के साथ कांटेक्ट करेगा तो आप कमी पेशी करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, रिहायत करके देंगे। बिल्कुल ठीक है, चलो हमारे व्यूअर्स का खास ख्याल रखिएगा और अगर कोई इन्फॉर्मेशन से मुतालिक भी आपको फ़ोन करे तो आप ज़रूर उनको मालूमात देगा, गाइड देगा, गाइडलाइंस देगा। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स, ये थी एनिमल सेटअप के वीडियो। यहाँ पर हमने कैट्स देखे हैं। आज इस एनिमल सेटअप में कैट्स नहीं, बहुत सारी ब्रीड देखे। यहाँ पर हिमालयन थी, यहाँ पर पंचफेस थी और पर्शियन थी। आज काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो व्यूअर्स ने काफ़ी इंजॉय किया होगा वीडियो देख के। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की वीडियो और पेश करते हैं आप लोग की खिदमत में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएँ, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट सेटअप की वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह ताला आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ महफूज रखे, खुश रखे, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, आमीन।